हेलो एंड वेलकम टू पी एच पैथो। कैसे हैं आप सभी? आज मैं एमसीक्यू शुरू करने वाला हूं जो कि एंटी कोगुलेंट से रिलेटेड होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ये सारे एंटी कोगुलेंट से हैं। अगर आपको और भी एमसीक्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप सबों के लिए करवाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं एक एक चैप्टर वाइज़, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि मैं चैप्टर वाइज आप सबों को एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ द ब्लड व्हेन मिक्स्ड विद द ब्लड इन ए प्रॉपर प्रिपरेशन आर कॉल्ड। मतलब कि ऐसा केमिकल है जो कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इन चार ऑप्शन में से पहला है कोगुलेंट्स, दूसरा है प्रिजर्वेटिव, तीसरा है एंटी कोगुलेंट्स एंड चौथा है फिक्सेसिव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप क्या कहते हैं? आप मन में सोचिए, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये एंटी कोगुलेंट्स है, क्योंकि कोगुलेंट्स का मतलब जनरली जमाना हो जाता है। और मैं आगे बात करूँ, ऑप्शंस कौन सा हो जाता है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब कि जो प्रिजर्व करके चीज़ों को रखते हैं, तो ये नहीं होगा। और तीसरे बात करूँ तो एंटी कोगुलेंट, जैसा कि ये ऑप्शन सही है। और चौथा बात करूँ तो फिक्सेसिव। फिक्सेसिव का मतलब होता है कि फिक्स, जो चीज़ों को फिक्स करता है वो फिक्सेसिव होता है। तो आपका सही आंसर एंटी कोगुलेंट्स होगा। पहला नंबर है EDTA स्टैंड फॉर, तो इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। दूसरा है एथिलीन डाइऑक्साइड टेट्राएसिटिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है इथिलीन डाइसल्फाइड टेट्राएसिटिक एसिड। चौथा ऑप्शन है इथिलीन डाइसल्फाइड टेट्राएसिटिक एसिड। तो EDTA का मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि EDTA का ओरिजिनली फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। तो आप, मैं बता दूं आप बताएंगे, मैं बता दूं आप बताएंगे, कौन सा सही होगा? तो एग्जैक्ट, आपने बिल्कुल सही चुना है, पहला नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, इथिलीन डायमीन ETHYLEN, इथिलीन। हमेशा आप वर्ड जरूर याद करके रखें, कई बार सेम रहते हैं लेकिन वर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है। डायमीन DIAMINE टेट्रा एसिटिक एसिड, ये सही आंसर है, ये सही ऑप्शन है, एक नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है EDTA इज़ यूज्ड एज, EDTA जो है किसके लिए यूज होता है, किसके जैसा मतलब यूज होता है। तो पहला है डाइसोडियम, इसको Na2 सॉल्ट कहते हैं। फिर दूसरा है डाइपोटेशियम, जिसे हम लोग K2 कहते हैं, सॉल्ट बोथ और सोडियम सॉल्ट। तो इनमें से क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने एंटी कोगुलेंट्स चैप्टर को बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। आपको कार्ड में लिंक आ जाएगा या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अगर वो भी ना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करें हीमेटोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको एंटी कोगुलेंट चैप्टर दिखेगा। तो आप पहले वो देख ले तो आपको काफ़ी आसानी होगी इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में। तो इसमें आंसर जो होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बोथ आंसर होगा। आप जानते हैं कि डाई पोटेशियम और उसके बाद डाई सोडियम के रूप में हमें EDTA मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 1 से 2 mg ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर, 1 से 2 मिलीग्राम EDTA को हम कितने अमाउंट ब्लड के लिए यूज़ करते हैं। पहला है 2.5 ml ऑफ ब्लड, दूसरा है 1 ml ऑफ ब्लड, तीसरा है 3 ml ऑफ ब्लड और चौथा है 3.5 ml ऑफ ब्लड। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1 ml ऑफ ब्लड। क्या होगा? 1 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है EDTA एज डाइपोटेशियम सॉल्ट इज प्रिफर्ड ड्यू टू इट्स, EDTA में जो हम लोग डाइपोटेशियम मिलाते हैं वो उसके किस कारण, वो उसका कौन सा ऐसा फैक्टर है, उसकी कौन सी ऐसी खासियत है जो हम लोग EDTA में डाइपोटेशियम का यूज़ करते हैं। तो पहला है सॉल्युबिलिटी, दूसरा है इनसॉल्युबिलिटी, तीसरा है प्यूरिटी और चौथा है मोबिलिटी। तो किस काम के लिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सॉल्युबिलिटी, और आंसर भी सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि ये ब्लड में घुलने के कारण उसको क्या करता है, क्लॉट नहीं होने देता है EDTA। तो डाइपोटेशियम का यूज़ ही एंटी कोगुलेंट्स के रूप में होता है, वो एंटी कोगुलेंट्स एजेंट ही है, इसलिए क्या करता है, वो घुलने नहीं देता और सेल को रैप्चर होने नहीं देता है। तो उसके सॉल्युबिलिटी के कारण हम उसको यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, EDTA प्रिवेंट्स कोगुलेशन बाय बाइंडिंग। पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है Na मतलब सोडियम, चौथा है Li मतलब लिथियम। हम किसके कारण जो कोगुलेशन प्रिवेंट करता है, वो EDTA किसके कारण करता है? तो मैंने जब EDTA चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज करा था
कैल्शियम चिलेटिन एजेंट, ये क्या होते हैं, कैल्शियम चिलेटिन एजेंट होते हैं जिसमें कि क्या होता है कैल्शियम मिला हुआ रहता है, और यही कारण होता है कि हम EDTA से क्या नहीं चेक करते हैं, कैल्शियम को चेक नहीं करते हैं हमारे शरीर में, कैल्शियम और पोटेशियम को हम लोग चेक नहीं करते हैं EDTA के सैंपल से। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा कैल्शियम। नेक्स्ट है विच आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स गिव द बेस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, मतलब ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि सेल के मॉर्फोलॉजी को, सेल के स्ट्रक्चर को सही रखता है। पहला हेपरिन, और इसमें एक वर्ड याद करें, आप जब भी क्वेश्चन बनाए तो ट्रिक से बनाए, आर्टिफिशियल कर रहा है तो हेपरिन तो हमारा नेचुरल भी हो जाता है, और तो इसलिए हेपरिन नहीं होगा। दूसरा EDTA है, तीसरा डबल ऑक्सलेट सोडियम सिट्रेट। तो EDTA जब मैंने बताया था तो बताया था कि ये किसके लिए यूज होता है, ये मॉर्फोलॉजी के सेल को देखने में, हमें RBC सेल को देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, WBC सेल को हेल्प करता है, तो इसलिए EDTA इज अ राइट आंसर। चलिए लेट्स गो, वी आर डिस्कस्ड अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड मिक्स्ड विद EDTA इज यूज टू डिटरमाइन, तो क्या होगा, यूज टू डिटरमाइन हम लोग EDTA की जो मिक्सर है वो किस चीज को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है, पहला नंबर का ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा नंबर का ऑप्शन है DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तीसरा है PCB पैक्ड सेल वॉल्यूम, चौथा है RBC काउंट मतलब रेड ब्लड सेल काउंट, चौथा फिर उसके बाद नेक्स्ट है WBC काउंट मतलब वाइट ब्लड सेल काउंट, और फिर है ऑल ऑफ एबव मतलब इनमें से सारे ऑप्शन सही होंगे, दूसरा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। तो इसमें आपका दिमाग क्या कहता है कि कौन सा, मतलब जब हम ब्लड में मिक्स करते हैं EDTA को तो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, तो मुझे लगता है ये सारे होंगे क्योंकि सारे हीमेटोलॉजी से रिलेटेड हैं और EDTA हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे खास करके ब्लड के मॉर्फोलॉजी को लेकर काफ़ी हद तक बहुत सही रिजल्ट देता है, इसलिए EDTA एंटीकोगुलेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन जो है 0.2 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज डाइट पर बल्ब विच कंटेन 8 mg ऑफ द ड्राई केमिकल एंड द प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ, जब हम 8 mg ड्राई केमिकल को लेते हैं EDTA को तो वे कितने कितने ml ब्लड को प्रिवेंट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है 1 से 2 ml ऑफ ब्लड, दूसरा ml है 0.5 से 1 ml ऑफ ब्लड, दूसरा है 3 से 4 ml ऑफ ब्लड, और चौथा है 6 से 8 ml ऑफ ब्लड। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 3 से 4 ml होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ट्यूब देखेंगे तो वो 3.5 ml के लिए ट्यूब आता है। आप मेरा एक वीडियो देखे वैक्यूम ट्रेनर से रिलेटेड या फिर EDTA से रिलेटेड, तो मैंने सब में ट्यूब्स दिखाए, तो वो ट्यूब्स मुश्किल से EDTA के लिए 3 से 4 ml के बीच में आता है, तो 3 से 4 ml इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डबल ऑक्सलेट आर कंपोज ऑफ 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 2 पार्ट ऑफ द पोटेशियम ऑक्सलेट, दूसरा नंबर है 2 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 3 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, तीसरा नंबर है 1 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, चौथा नंबर है 4 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 3 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट। तो मैंने जब एंटीकोगुलेंट में ऑक्सलेट पढ़ाया था तो आप लोग को रेशियो बताया था कि जब भी होते हैं तो 2:3 में होते हैं, मतलब 2 पार्ट जो होता है वो पोटेशियम ऑक्सलेट का होता है और 3 पार्ट जो होता है वो क्या होता है अमोनियम ऑक्सलेट का होता है। तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर, 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ml ऑफ द सॉल्यूशन �फ डबल ऑक्सलेट कंटेन्स 8 mg ऑफ द केमिकल विच प्रिवेंट कोगुलेशन अबाउट 3 to 4 ml ब्लड, हम कितना एंटीकोगुलेंट लेंगे जो कि डबल ऑक्सलेट का होगा और वो 3 से 4 ml ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी होगा। तो 8 mg अगर हम केमिकल लेते हैं तो वो कितने को प्रिवेंट कर पाएगा, तो पहला ऑप्शन है 0.1 ml, दूसरा ऑप्शन है 0.2 ml, तीसरा ऑप्शन है 0.3 ml, चौथा ऑप्शन है 0.4 ml। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें होगा 0.2 ml ब्लड एंटीकोगुलेंट के लिए सफिशियंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ऑक्सलेट ब्लड इज यूज्ड फॉर हीमेटोलॉजी RBC काउंट ESR WBC काउंट PCB ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट मिक्स्ड इज कंपोज्ड ऑफ, कौन सा रेशियो ऐसा है जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट को मिक्स करके बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा 1 पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 3 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, 2 पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, 3 पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, 4 पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 3 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट। तो इसमें मैंने आपको एंटीकोगुलेंट में पढ़ा चुका है 1 पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड
एंड थ्री पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट इसमें होगा, तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 mg ऑफ सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सीलेट मिक्सर इज यूज टू कलेक्ट। हम लोग कितना 8 mg सोडियम फ्लोराइड में पोटेशियम ऑक्सीलेट मिक्स करेंगे तो कितने ब्लड ml ब्लड को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो पहला है 1 to 2 ml, दूसरा है 5 to 6 ml, तीसरा है 2 to 3 ml, चौथा है 8 to 10 ml। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा थ्रू 2 to 3 ml ऑफ ब्लड जो कि सफिशियंट होगा 8 mg ऑफ सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सीलेट के लिए। नेक्स्ट क्या है, हेपरिन इज हेपरिन क्या है, हेपरिन इज क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। हम सभी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेपरिन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ आर्टरी ब्लड गैस, ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट, ए एंड बी ऑप्शन, या फिर नाइदर ए और बी, दोनों में से कोई नहीं। तो जो कि हेपरिन है वो आप अधिकतर देखेंगे इसका यूज़ बहुत कम ही होता है, लेकिन आर्टरी ब्लड गैस की हमें जब चेकअप करने की जरूरत पड़ती है या फिर ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जो स्पेशल टेस्ट है, तो हम क्या करते हैं हेपरिन के ट्यूब में ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो इसमें हेपरिन होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए और बी। चलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 0.2 mg हेपरिन इज यूज्ड फॉर 2 ml ऑफ ब्लड, 1 ml ऑफ ब्लड, 3 ml ऑफ ब्लड, 4 ml ऑफ ब्लड। तो हेपरिन हम लोग कितना लेंगे, 0.2 mg लेते हैं, तो वो हमारे 1 ml ब्लड के लिए सफिशियंट होता है, आंसर बी नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल एंटीकोगुलेंट। तो सभी को जानते हैं नेचुरल और यूनिवर्सल एंटीकोगुलेंट कौन है, हेपरिन है। उम्मीद है ये सारे MCQ आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे, और MCQ अगर समझ में आया हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपका प्यार सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू एवरीवन।